नेशनल आइस हॉकी प्रतियोगिता के लिए स्पीति के लांगचा और शेगो में डोगरा रेजिमेंट के जवान -15 डिग्री तापमान के बीच खूब पसीना बहा रहे हैं। डोगरा रेजिमेंट के यह खिलाड़ी आइस हॉकी में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं स्पीति के युवा भी इस खेल में पीछे नहीं है। टीम के कोच अमित बेलवाल डोगरा रेजिमेंट के खिलाड़ियों के साथ स्पीति के बच्चों को भी आइस हॉकी के गुर सिखा रहे हैं। अमित बेलवाल के बारे में हम आपको बता दें कि अमित बेलवाल आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। जिला युवा संयोजक सकालजंग दोरजे ने बताया कि स्पीति में आइस हॉकी के खेलों को बढ़ावा देने में स्पीति प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है। आपको बता दें कि स्पीति के लांगचा में आइस हॉकी एसोसिएशन लाहौल स्पीति के साथ स्पीति प्रशासन ने आइस हॉकी रिंग तैयार किया है, जबकि शेगो में प्राकृतिक रिंग है। आइस हॉकी में स्पीति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। उपमंडला अधिकारी काजा के समीप लॉन टेनिस ग्राउंड में 5 दिन में आइस हॉकी के लिए मैदान तैयार हो जाएगा, जबकि स्पीति के मुख्य आउटडोर स्टेडियम तैयार होने में अभी वक्त लग सकता है। ऐसे में हिमाचल से डोगरा रेजिमेंट के जवान लांगचा और शेगो में आइस हॉकी का अभ्यास कर रहे हैं। स्पीति के युवा भी आइस हॉकी में खूब पसीना बहा रहे हैं।